वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है, जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है, जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वन टेस्ट सीरीज, प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455 231 327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने आए हैं, जिसका नाम है स्क्यूनेस। फ्रेंड्स, इसके पहले भी स्टैटिक्स के और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन सारे स्टैटिक्स के सीरीज़ को पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग स्क्यूनेस के इस चैप्टर को, इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़िएगा। पहले आप उन वीडियो को देख लेंगे तो ही आपको ये सारे चीज़ें समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स का वीडियो है, ये MCom फ्रेंड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, MCom एंट्रेंस के लिए, BCom के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस, एक नया टॉपिक। स्क्यूनेस मतलब फ्रेंड्स, स्क्यूनेस जैसे आपको दिख रहा है, ये एक बेल शेप डायग्राम है, और सिमेट ये जब बराबर हो, मतलब इक्वल हो, इक्वल मतलब दोनों साइड से इक्वल हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मींस व्हेन द डाटा इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, और व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड आर इक्वल। एक बेल शेप डायग्राम है और इसका दोनों साइड बराबर आ रहा है, बराबर इन द सेंस कि इसका जो मीन मीडियन मोड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो इसी पॉइंट पर अगर लाई कर रहा हो, तो यानी कि यहाँ पर भी डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तभी ना यहाँ पे इक्वल पॉइंट पे सब कुछ लाई कर जा रहा है। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिकल मतलब होता है व्हेन द सीरीज हैव इक्वल मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डाटा सीरीज। स्क्यूनेस मतलब लैक ऑफ सिमेट्रिकल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिमेट्रिकल मींस, ये देखिए ये इधर हो गया, हो सकता है ये इधर को चला जाए। ठीक है, तो दैट इज एसिमेट्रिकल, आइदर टिल्टेड इन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, स्क्यूनेस इज ए लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री मींस लैक ऑफ इक्वल। ठीक है, जहां पे बराबर ना हो, लैक ऑफ इक्वलाइजेशन कह लीजिए, जहां पे चीजें बराबर ना हो, मीन मीडियन मोड जिस सीरीज का बराबर ना आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल सीरीज, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए क्या होता है, द कर्व इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेल शेप, ये एक बेल शेप डायग्राम है, और अगर जहां पे देखिए द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर इक्वल, बताया अभी आपको कि जब मीन मीडियन मोड का वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये एक हो जाता है एक बेल शेप डायग्राम, यानी कि बेल शेप डायग्राम का कहने का मतलब कह लीजिए, जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर है, मतलब वो एक ऐसा सीरीज जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर होता है।
इसमें मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। इसमें अगर बात कर ले हम लोग, देखिए इसमें रिलेशनशिप क्या होता है क्वार्टाइल और मीडियन के बीच का, तो Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1, ये फॉर्मूला होता है व्हेन योर सीरीज इज सिमेट्रिकल सीरीज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सिमेट्रिकल सीरीज में ये फॉर्मूला होता है Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1। ठीक है फ्रेंड्स, दिस स्क्यूनेस इज जीरो, हियर स्क्यूनेस इज जीरो। जीरो मतलब जीरो होगा ना, जब दोनों किसी भी तरफ बैलेंस है, बैलेंस है मतलब किसी ना इधर टिल्ट, इधर भी टिल्टेड नहीं है, इधर भी टिल्टेड नहीं है, जितना इधर है उतना इधर भी है, तो क्या हो गया स्क्यूनेस, स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं है मीन्स जीरो। ये देखिए तीनों बराबर होगा, जो जो कि हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं। एसिमेट्रिकल और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्क्यूनेस एग्जिस्ट इन सच ए डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन डज नॉट एग्जिस्ट एट ए इक्वल डिस्टेंस, मतलब Q1 एंड Q3, यहाँ पे तो इक्वल कर रहा था Q3 माइनस एम इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1, जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल मतलब मीडियन जहाँ पे बराबर ना हो, डज नॉट एग्जिट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड Q3। Q1 एंड Q3 से मीडियन का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, कुछ डिफरेंट है। मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पे मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स चलिए कुछ रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन ए नॉर्मल और सिमेट्रिकल और मॉडरेटली एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेशनशिप वेरियस मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देख लीजिए जहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या मॉडरेटली थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा डिस्पर्शन के बीच में। ठीक है, देखिए QD इज 0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जब क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 हो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसका मतलब क्या है, देखिए QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, व्हेन QD इज 0.6745 देन SD इज इक्वल टू, देन SD इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कैसे पूछेगा, व्हेन QD इज इक्वल टू 0.6745 देन योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मीन डेविएशन इज 0.7979 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देन तो मीन डेविएशन अगर आपका 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट देखिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमको मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अकेले छोड़ना है, तो सारे वैल्यूज को उधर लेके चले जाइए स्कल टू के इधर, तो ये रिवर्स में हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 ऑफ मीन डेविएशन। छोड़ दिया स्टैंडर्ड डेविएशन को इधर अकेला, तो इससे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता चल जाएगा वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द मीन डेविएशन व्हेन मीन डेविएशन इज 0.7979 और 5/4। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज 5/6 ऑफ मीन डेविएशन अगर हो, व्हेन क्वार्टाइल डेविएशन इज 5/6 ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन 6/5 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये सारे के सारे फॉर्मूले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो थोड़ा सा तब आ जाएगा अगर आपको रिलेशन नहीं पता हो कि QD और SD में कैसा रिलेशन होता है, तो ऐसा रिलेशन होता है जैसे कि हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं। आपको अगर ऐसा दे दे 0.6745, इट इज मीन दैट 2/3, 0.7979 QD MD के बीच का रिलेशन, मतलब 4/5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल दिस रिलेशनशिप कंबाइंड, अगर सारे रिलेशनशिप को हम लोग कंबाइंड कर दे, 6QD, 4SD, 5MD, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और आपको ऐसे ही कुछ दे देगा। मान लीजिए ये ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन में 6QD ग्रेटर देन 4SD या लेस देन 5MD, फिर उसके बाद 6QD इज इक्वल टू 4SD ग्रेटर देन 5MD। ठीक है, 6QD लेस देन इक्वल टू 4SD, फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू
5 MD, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तीन ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन ए है ये, तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट मार के आना है वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि तीनों के बीच का क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच का रिलेशन क्या होता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स सेटिस्फाई द रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, तो ये रिलेशन होता है तीनों के बीच का। प्रोबेबल एरर, पॉइंट प्रोबेबल एरर का पूछेगा, प्रोबेबल एरर के बारे में, तो यही होता है फ्रेंड्स, बस इतना ही आपको याद रखना है। 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन और 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व क्या होता है फ्रेंड्स? लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल मेथड है स्टडिंग, बताया मैंने डिस्पर्शन को पता करने का। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल मेथड है। लॉरेंज कर्व दिया किसने है फ्रेंड्स? लॉरेंज कर्व इट इज कॉइंड बाय डॉक्टर मैक्सो लॉरेंज। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। पॉजिटिवली स्क्यूड, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, पॉजिटिवली स्क्यूड जब मेरा राइट वर्ड स्क्यूड रहेगा, राइट वर्ड टिल्टेड रहेगा आपका बेल शेप डायग्राम, ठीक है ना, तब क्या होगा? तब मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो सबसे बड़ा क्या हुआ यहाँ पे? सबसे बड़ा हुआ यहाँ पे मीन। पूछ देगा पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा कौन सा होता है वैल्यू, तो मीन। पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे छोटा वैल्यू किसका होता है? मोड का। Q3 - M, Q3 - मीडियन ग्रेटर देन M - Q1, ये भी याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट पूछ देगा पॉजिटिवली स्क्यूड में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक करके आप बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिवली स्क्यूड, मीन लेस देन मोड, मोड लेस देन मीन, लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड। सबसे बड़ा फिर क्या हो गया? ये सबसे बिग वैल्यू मीन्स लार्ज वैल्यू, लार्ज वैल्यू ऑफ मोड, मतलब जब नेगेटिवली स्क्यूड रहे सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा? मोड का। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? Q3 - M लेस देन M - Q1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोर द मीन्स मूव अवे फ्रॉम मोड, द लार्ज द एसिमेट्रिकल और स्क्यूनेस। जितना मोड से दूर होगा स्क्यून क्या, सिमेट्रिकल डाटा, उतना ही क्या होगा, एसिमेट्रिकल और स्क्यूनेस फाइंड किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन मीन एंड मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस इज शिफ्टेड वन साइड टू अदर, इस कॉल। सही बात है, जब अलग अलग पॉइंट पे, मतलब इस अगर एक ही पॉइंट पे सब फॉल हो जाए तो इट इज दिस सिमेट्रिकल, देयर इज नो स्क्यूनेस। लेकिन अलग अलग पॉइंट पे मीन हो, अलग अलग पॉइंट पे मीडियन हो, अलग अलग पॉइंट पे मोड हो, तो वो क्या आपका होगा सिमेट्रिकल? नहीं, एसिमेट्रिकल हो जाएगा, और जहां एसिमेट्रिकल होता है वहीं स्क्यूनेस होता है। चलिए फ्रेंड्स, स्क्यूनेस के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। स्क्यूनेस को मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। फ्रेंड्स नोट डाउन करते रहिए कॉपी पेन लेके आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं स्टैटिक्स के। 8 to 10 क्वेश्चन किसी साल नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी साल 2 से 5 क्वेश्चन भी देखा गया है, किसी साल यहाँ तक कि 8 to 10 क्वेश्चन भी देखा गया है। अगर मान लीजिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार 8 to 10 क्वेश्चन आ गया, तो सोचिए 30 मार्क्स अगर आप नहीं पढ़ रहे स्टैटिक्स, तो यानी कि आप 30 मार्क्स छोड़ के आओगे। तो क्या आएगा पेपर में पता नहीं है। स्टैटिक्स भी कोर्स में है वो अलग बात है, किसी साल आया है किसी साल नहीं आया है, ठीक है। तो लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस साल आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया, अगर 8 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग स्टैटिक्स को जरूर तैयार करके जाइएगा। मेरा सजेशन यही है कि कॉमर्स नेशन जितना वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जितना नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग सब कुछ प्रिपेयर करके जाइएगा। और डेफिनेटली अगर इतना प्रिपेयर कर लिया तो 300+ नंबर आपके आराम से आएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, टेल एग्जैक्ट स्क्यूनेस। एग्जैक्ट स्क्यूनेस अगर फाइंड करना हो तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का इस्तेमाल करते हैं। वेदर स्क्यूनेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बारे में बता देगा। स्क्यूनेस पॉजिटिव है मतलब राइट वर्ड है कि, ये देखिए राइट वर्ड हो गया पॉजिटिव है, तो राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, स्क्यूनेस इज इक्वल टू थ्री मीन माइनस मीडियन। इन दोनों फॉर्मूले को कहते कॉल्ड फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस और पोजीशन ऑफ एवरेज मेथड। तो फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस मीन्स मीन माइनस मोड, इसको भी थ्री मीन माइनस मीडियन, ये सभी के सभी फ्रेंड्स स्क्यूनेस के फॉर्मूले भी है और साथ ही साथ इसको फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, तो हर एक पॉइंट पे हम आपको बता रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए, स्क्यूनेस इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एफ कॉल्ड द सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये भी एक फॉर्मूला है और इसको क्या कहते हैं सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। आपको दो फॉर्मूला दे देगा, ठीक है, सपोज एक फर्स्ट वाला एक सेकेंड वाला, एक कोई रॉन्ग वाला दे देगा, ठीक है। मान लीजिए तीन ए, ए, एक ये दे दिया, एक दे दिया नन ऑफ दिस, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम इज कॉल्ड सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इफ मीन इज इक्वल टू मोड देन देर इज अ नो स्क्यूनेस, अगर अभी बात किया जब बराबर हो जाए तो स्क्यूनेस नहीं होगा। वेन मीन इज ग्रेटर देन मोड, जब अभी बताया हम लोगों ने कि जब पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो कौन सबसे बड़ा होगा, ये रिकॉल करिए चीजों को, पॉजिटिव स्क्यूड होगा सबसे बड़ा कौन होगा, मीन बड़ा होगा, यही बात यहाँ पे तो कह रहा है। नेगेटिव स्क्यूड होगा सबसे बड़ा कौन होगा, मोड बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मीन छोटा हो जाएगा, तो मीन इज लेस देन मोड नेगेटिवली स्क्यूड। बेस्ड ऑन क्वार्टाइल एंड मीडियन, क्वार्टाइल और मीडियन के बेस से स्क्यूनेस का पता करते हैं, क्यू थ्री प्लस क्यू वन इज इक्वल टू टू एम तो देन देयर इज अ नो स्क्यूनेस, जब बराबर हो जाए तो नो स्क्यूनेस, क्यू थ्री प्लस क्यू एन ग्रेटर देन टू एम तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, जब सम ऑफ क्वार्टर थर्ड क्वार्टल एंड फर्स्ट क्वार्टल इज ग्रेटर देन टू मीडियन देन देयर इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस, व्हेन सम ऑफ क्वार्टल ऑफ थर्ड एंड क्वार्टल फर्स्ट क्वार्टल इज लेस देन टू मीडियन देन देयर इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस फ्रेंड्स कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इंपॉर्टेंट है, बाउलेस कोफिशिएंट स्क्यूनेस और केलीज कोफिशिएंट स्क्यूनेस सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कार्ल पियर्सन। पढ़ना हम लोगों को फ्रेंड्स सभी है, कोई भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन जितना पूछेगा इसी में से पूछेगा, इससे बाहर आपको कोई भी बुक्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। चलिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला बस याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं दे देगा, न्यूमेरिकल बताओ इतना नहीं करेगा, बस आपको बताना है फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला ही पूछेगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, क्या है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉल्ड पियर्सियंस फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा सीधा सीधा नहीं पूछ के, पियर्सन फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या कौन सा है या कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन में से, तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड पियर्सियन फर्स्ट ऑर्डर कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है फ्रेंड समझ में आ रहा है। इफ मोड इज इल डिफाइंड, फ्रेंड्स मोड इल डिफाइंड मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर दो से तीन बार डिफाइंड हो गए तो मोड वहां पे इल डिफाइंड होते हैं, तो अगर मोड इल डिफाइन है तो वहां पे हम स्क्यूनेस का कैसे पता लगाएंगे, तो क्या कैसे पता लगाएंगे, थ्री मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका देखिए हम लोगों ने सिम्बॉलिकली भी प्रेजेंट करना हो तो ये सिम्बॉलिकली प्रेजेंट, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो सिंबल भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये जो अगर इल डिफाइंड मोड है तो उसमें जो आपका कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस यूज किया गया है फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड पियर्सियंस सेकेंड ऑर्डर कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, तो फर्स्ट ऑर्डर कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस देख लिया, पूछ देगा इल डिफाइंड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल इल डिफाइंड मोड में कार्ल पियर्सन का कौन सा ऑर्डर ऑफ स्क्यूनेस फॉलो होता है, क्या बोला क्वेश्चन मैंने, इल डिफाइंड मोड में कार्ल पियर्सन का कौन सा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फॉलो होता है, तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रेंड,
किसने प्रोपाउंड किया? बाउले ने। इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल नोन एज क्वार्टाइल कॉफी। पूछ देगा कौन सा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल पे बेस्ड है, तो बाउले का कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल पर बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। मेरे साथ आप लोग बोलिए, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। सेकेंड मेजर क्वार्टाइल कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, अब बाउले के हिसाब से सेकेंड मेजर क्वार्टाइल कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस क्या हो जाएगा? स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन माइनस मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद करना है फ्रेंड्स, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा। फॉर्मूला हम लोग को ध्यान से याद करके हुए एग्जाम में जाना है। द लिमिट ऑफ बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है? लिमिट कितने से कितने तक वेरी करेगा? -1 टू +1। बाउलेस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% ऑफ आइटम। देखिए बाउलेस फॉर्मूला जो ये 50 किसी भी आइटम के 50% को ही कवर करता है, और कार्ल पियर्सन जो है ये 100% वैल्यू को कवर करता है। देन नेक्स्ट इज केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला, इट इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल। तो हर चीज किस पे कौन सा बेस्ड है वो आपको याद रखना है। जैसे कार्ल पियर्सन का किस पे बेस्ड है? मीन मोड पे बेस्ड है, मीन मोड पे बेस्ड है। ठीक है, बाउले का क्वार्टाइल पे बेस्ड है। ठीक है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, केलीज का किस पे बेस्ड है? परसेंटाइल पे बेस्ड है। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेंड्स घुमा के पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना है, मैंने किस किस वे में बताया है। देखिए क्वेश्चन हम डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोगों के साथ वीडियो में ही, कि कैसे कैसे पूछ सकता है घुमा के। केलीज कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस परसेंटाइल पे बेस्ड है, बाउलेस का क्वार्टाइल पे, कार्ल पियर्सन का मीन मोड पे बेस्ड है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, देखिए केली का फॉर्मूला P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10, ऑल्सो कॉल्ड परसेंटाइल कोफिशियंट। भाई परसेंटाइल पे बेस्ड है तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? परसेंटाइल कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, बाउले का क्या था? क्वार्टाइल पे बेस्ड था, इसलिए किस पे बेस्ड था? बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस और क्वार्टाइल कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए केली का हम लोग फ्रेंड्स डिसाइल के हेल्प से यूज कर सकते हैं। डिसाइल क्या होता है? किसी सीरीज को 10 भागों में डिवाइड कर देना। तो डिसाइल के हेल्प से भी आप केलीज कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। D9 प्लस D1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1, D9 प्लस D1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई D9 डिसाइल ऑफ 9 माइनस फर्स्ट डिसाइल। ठीक है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कोरिलेशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करके प्रीमियम टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए, जिसका कि बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है, और घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि BHU में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस बार कंडक्ट करवाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।